साथियों वेलकम बैक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में, और आज इस मॉर्निंग सेशन में देखेंगे हम लोग 5 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पर एक नजर डालेंगे और इन बातों को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समसामयिक घटनाक्रम। ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए, पहला ये अक्टूबर का पहला सप्ताह है और इस सप्ताह के दौरान 2 से 8 अक्टूबर के बीच विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच हर साल विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वाइल्ड एनिमल के संरक्षण पर वर्क होता है, कार्य किया जाता है। और इसी के तौर पर पश्चिमी घाट पर्वत के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है गिद्धों का संरक्षण करना। जो वल्चर होते हैं, जो आज लुप्त होने के कगार पर हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके गिद्धों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा वृक्ष हो, घने होंगे तो वहां पर गिद्ध आकर रहेंगे। चूंकि पश्चिमी घाट पर्वत के तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्रों में गिद्धों की कई प्रजातियां पाई जाती है, तो ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत में पश्चिमी घाट पर्वत एक हॉट स्पॉट है, इकोलॉजिकली पारिस्थितिकी तप्त स्थल, और ये दुनिया में 36 हॉट स्पॉटों में से एक हो। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि जैविक विविधता जहां पर सबसे अधिक मिले, सबसे अधिक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाए, उसको हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत विश्व में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। टोटल 36 हॉट स्पॉट है और उसमें एक भारत में ये पश्चिमी घाट पर्वत भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि 1985 से ये प्रस्ताव आया था कि अक्टूबर के पहले सोमवार में, मतलब अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार होगा, जो भी पड़ेगा, उसको विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक ही है कि सभी के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, सभी को रहने की व्यवस्था हो, किसी को सड़कों पर खुले छत में सोना ना पड़े। तो इसको ध्यान में रख करके आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। जो इस बार मनाया गया है, हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर याद नहीं रखना, जो भी पहला सोमवार पड़ेगा उसी दिन ये विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखना है कि पहली बार 1986 में मनाया गया था, चूंकि प्रस्ताव आया था 1985 में, तो 86 में मनाया गया। 2020 का जो शीर्षक है वो सभी के लिए आवास, बेहतर शहरी भविष्य। तो ये ध्यान रखना है, सभी के लिए आवास और बेहतर शहरी भविष्य 2020 के विश्व पर्यावास दिवस का शीर्षक है। आगे चले तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए एग्जाम के संबंधित, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखना इनको, पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सब मिजोरम वगैरह, तो उसको पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पद्मा पानी बोरा, नाम याद रखना है, लिखित पुस्तक असम की विरासत की खोज, असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक जारी किया। ये ध्यान रखना है, तो जारी किया गया है और इस पुस्तक में असम के विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसको लिखा है पद्मा पानी बोरा ने, और ये पद्मा पानी बोरा 2009 के IRS अधिकारी हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेखक पद्मा पानी बोरा, पुस्तक का नाम असम की विरासत की खोज, जिसमें जनजातीय परंपराओं के बारे में पूरी तरह से संकलन किया गया है। आगे चलें तो एक न्यूज है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICRR और उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा रिश्तों की बुनाई वस्त्र परंपराएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना है कि वस्त्र उद्योग या जितने भी क्लॉथ से संबंधित उद्योग काम कर रहे हैं, उसी से संबंधित ये एक वेबिनार आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और इसको आयोजित किया भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने। तो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान देना है कि वस्त्र उद्योग
दुनिया में और भारत में एक बड़ा नियोक्ता क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। भारत की ही बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला क्षेत्र माना जाता है, और इसके चलते ये उद्योग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो किया गया है और ये विषय क्या है, तो ध्यान रखना है, रिश्तों की बुनाई वस्त्र परंपराएं, ये याद रखना है इसका शीर्षक, ये ध्यान देना है, रिश्तों की बुनाई वस्त्र की परंपरा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि 2006 में प्रस्तुत किया गया स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट की सिफारिशों को केंद्र सरकार लागू करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि 2006 में प्रस्तुत किया गया था कौन आयोग, तो स्वामीनाथन आयोग, और स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें जो जो बातें कही गई थी उसको केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। और ये सिफारिश किस क्षेत्र के लिए, तो स्वामीनाथन को जानते होंगे, पढ़ा है हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति के जनक हैं, और इन्होंने कृषि पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था आयोग के तौर पर। चूंकि ध्यान रखना है कि जब आयोग बनी थी तो उस आयोग के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे, और उन्होंने भारत में कृषि के विकास और आने वाले समय में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया था कि कैसे कैसे कृषि में काम होना चाहिए। तो उन सभी सिफारिशों को केंद्र सरकार लागू करना चाहते हैं, चूंकि केंद्र सरकार का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, इस लक्ष्य पर काम कर रही है, और इसके लिए जो भी उनको कदम उठाना होगा, जो भी लागू करना होगा नियम, उस पर केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग ये का गठन वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, और ये गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग, और इस आयोग के पहले अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन को बनाया गया था, चूंकि यही कृषि से संबंधित एक बड़े विद्वान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक भी थे, तो इसलिए इन्हीं को इनका अध्यक्ष बनाया गया, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 2022 तक भारत में किसानों की इनकम को दुगना करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था रिपोर्ट, तो 2006 में, बना कब था किसान आयोग, तो राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में बना, और 2022 तक भारतीय किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य केंद्र सरकार बना रखी है, इसी पर काम चल रहा है। आगे चलें तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया योजना का घोषणा किया है, हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, ये याद रखना है। तो हमीरपुर में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग की भी उद्घाटन की गई है 2-3 दिन पहले, तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसका क्षमता 66 मेगावाट बिजली का निर्माण करना की घोषणा किया है, जिसके द्वारा वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास में गति मिलेगी। तो ध्यान रखना है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, और परियोजना का नाम धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, 66 मेगावाट की योजना है, यह ध्यान रखना। आगे चलें तो इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर भारत और फ्रांस एक नया कार्य करने जा रहा है, इस पर ध्यान रखना। तो भारत फ्रांस हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री निगरानी, मतलब जितना भी सागर है जिसमें हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री निगरानी के लिए उपग्रहों का एक समूह का शुरुआत करेगा, मतलब दोनों देश भारत और फ्रांस के सैटेलाइट मिल करके हिंद महासागर के क्षेत्रों में निगरानी करेंगे, नजर रखेंगे कि वहां पर क्या क्या घटनाएं घट रही है, और इसके द्वारा समुद्र में चलने वाले जहाजों को ट्रैक किया जाएगा, मतलब वो जहाज कहां से कहां जा रहा है, कहां पर उसकी स्थिति है, वो ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे मोबाइल ट्रैक करते हैं हम लोग, सिस्टम लगा देते हैं जीपीएस, तो बताता है कि आप कहां कहां गए थे, तो ये सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से होगा। ध्यान रखना, ये विश्व में अपने तरह का पहला ट्रैकिंग सिस्टम होगा जो पूरी समुद्री जहाज को ट्रैक कर सकता है, और ये गिनकर कौन कौन करेगा, भारत और फ्रांस। भारत का स्पेस एजेंसी का नाम आपको याद रखना, इसरो जानते होंगे, जबकि फ्रांस की स्पेस एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ये फ्रांस का है, और दोनों मिल करके ये काम करेगा, हिंद महासागर में समुद्री निगरानी के लिए उपग्रहों का एक तंत्र तैयार करेगा। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेंटर, जो इसरो और नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है, वो जलवायु निगरानी पर पहले ही एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको काम करना आसान होगा आगे भी, तो ध्यान रखें। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम, तो वीडियो को देखें, क्लास को कंटिन्यूटी के साथ करते रहें, क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन आवर से जितना देर में भागेंगे उतनी ही परेशानी होगी, आप
क्वेश्चन अगर को फेस करें उसके मार्क्स पर ध्यान ना दें कि नंबर कितना आ रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, जितना मार्क्स आता है उतना में संतुष्ट होकर अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे शाम के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और बोलिए देश की एकता खंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।